हम एक्चुअली वैसे अमीश भाई हम तीनों तो इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके लिए 2021 निकल गया, पता ही नहीं लगा, 2021 की जो सबसे बेस्ट और वर्स्ट मूवीज कौन कौन सी थी? बेस्ट चलेगा कोई भी, मतलब सुपर हीरो जरूरी नहीं है, जो माइंड में आ रहा है बोल दो, ऐसे मतलब टॉप वन ही बताना, ऐसे नहीं। हाँ मेरे को तो अभी यो ये अच्छा लगा था, डोंट लुक अप, बहुत बहुत सही लगा था, ऑसम लगी एकदम डोंट लुक अप, मतलब एंड होते होते साल का कुछ लगा कि हाँ चलो थिट मिला, अच्छा था। डोंट लुक अप मेरे को लगता है ऐसी मूवी है जैसे इधर यू लव इट और यू विल हेट इट, मतलब क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई मतलब सबके लिए नहीं है वो मूवी है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा यार ठीक ही मूवी थी, कई लोगों को बहुत अच्छी लगी और कई लोगों को एकदम बकवास मूवी का एंडिंग का सीक्वेंस, वो मेन बात उसका साथ मेरे साथ मैं सोचा था उस मूवी के बारे में कि मतलब क्यों ऐसे पसंद नहीं आ रही, क्योंकि बता मूवी का जो ओवरऑल मैसेज है डायरेक्ट क्लियर सिंपल है, धरती खत्म होने वाली है कुछ करो, और बाकी जो मूवीज क्रिटिकली एक्लेम्ड हो जाती है वो घुमाती ज्यादा है, एम्बिगुअस होती है, टेढ़ी तिरछी मीनिंग होती है उसकी, लेकिन ये क्लियर मीनिंग था, धरती खत्म हो रही है कुछ करो, और एक 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 सॉर्ट ऑफ डार्क ह्यूमर भी है उसमें। मेरा मेरे साथ जनरली होता क्या है कि मैं मूवी देखते रहता हूँ और साथ में फोन चलते रहता फोन चलते रहता, लेकिन डोंट लुक अप में मतलब ऐसा हुआ ना कि मैं देख रहा कुछ बोला, अब मेरे को फिर से पीछे करना पड़ता है देखा जाए क्या बोला, और लास्ट वाला एंडिंग सीक्वेंस पूरा वो तो यार वो पूरा मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि आखिरी तक भी कि यार शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ तो हो जाए, क्योंकि ऐसी मूवीज जनरली एकदम आपके मुंह पे ऐसे नहीं मारती ना कि मतलब ऐसे वो आखिरी में तो थपाड़ा ही मारती आपके मुंह पे कि सब मर गए खत्म, तो वो आखिरी में वो बच जाता है ना, जोना हिल, जोना हिल वो तो भाई मम्मी आएगी मेरी मम्मी आएगी, यूट्यूब वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब, यूट्यूब नहीं छूटना चाहिए भाई, यूट्यूब से भाई उसके अंदर मतलब छोटी छोटी डिटेल्स भी मतलब मैंने नोटिस की जो मुझे अच्छा लगा, जैसे वो जो बड़ी कंपनी का सीईओ होता है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर को बोलता है कि तेरे पर्सनालिटी के हिसाब से तू जो है अकेला मरेगा, लेकिन वो एक्चुअल अकेला मरता नहीं, वो सबके साथ मरता है ना, और वहीं पे एकदम मतलब वो उसकी मम्मी जो होती है उसका प्रेडिक्शन बोलता है किसी जानवर से एकदम ये चीज मतलब थोड़ी सटायर जो है ना कि दूसरे प्लैनेट जो पता भी नहीं उनको वो भी एक्यूरेट हो गया इसका यहाँ पे, बट जिस कैरेक्टर को बोलता है कि तू अकेला मरेगा वो जो है इन सबके साथ, और सबका परफॉर्मेंस भाई एपिक था, कोई भी एक कैरेक्टर भी ऐसा नहीं था जो मतलब इधर से उधर हुआ हो। अरे आप वो उसको देख लो लास्ट में, उसका एक्टर का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है उसका यार, वो जो उसका बॉयफ्रेंड बनता है जेनिफर लॉरेंस का लास्ट में, अरे टिमोथी शैलेमेट, टिमोथी शैलेमेट, वो उसका इतना छोटा सा रोल है लेकिन इतना फैबुलस रोल है यार, वो जब आखिर में पूरी प्रे करता है वो कहता है आई गॉट दिस, उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत सही, आप उसको ड्यून में देख लो भाई, अभी तो ड्यून के लिए भी वेट करना पड़ेगा यार, कब आ रही है नेक्स्ट पार्ट उसकी, अभी तो चालू भी नहीं किया, चालू भी नहीं हुआ बनना, यही यही अच्छा नहीं लगता, एक ही शब्द कहना चाहूंगा, दो शब्द एक्चुअली, सब बादल समझ गया, फॉरनर ब्रदर्स, ब्रदर्स फॉरएवर, फॉरएवर वही ना, अब उन्होंने पहले पिक्चर के अंदर इतना पैसा लगा दिया लेकिन वो लोग खुद नहीं श्योर थे कि दूसरी पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी, मतलब है ना बताओ आप ऐसे क्या डायरेक्टर को ले रहे हो, डेनिस विल्नेव को जो मतलब, और स्टोरी ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि वो खुद लिखना है उसको, वो डायरेक्टर ऐसा है ना, वो डायरेक्टर ऐसा है पिक्चर कॉमर्शियली भले पिटवा देगा लेकिन क्रिटिकली नहीं पिटवाएगा, सीधी सीधा।